मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल के आइकन पर जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को बरवक्त मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, दो मिनट दो टिप्स। ख्वातीन हज़रात, एक बहुत अच्छी टिप मैं आपको देने लगा हूँ। आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे ही हम इफ्तार करते हैं, इफ्तारी के बाद जो है तो बदन से बिल्कुल जान निकल जाती है, पट्ठों में दर्द शुरू हो जाता है और बंदा जो है वो बिल्कुल ही कमज़ोर महसूस करने लगता है। ये क्यों होता है? ख्वातीन हज़रात, आजकल चूँकि मौसम बहुत गर्म है और इसकी वजह से जो है तो स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग के साथ साथ जो है हमारी बॉडी से सोडियम, पोटाशियम और इस तरह के मुख्तलिफ नमकियात का लॉस हो रहा होता है। सो जैसे ही आप इफ्तार करें, उस दौरान में जो है तो आप अपने शरबत वगैरह में किसी चीज़ में थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं, या जो है आजकल के मौसम में जिन लोगों को अगर ब्लड प्रेशर का कोई मसला नहीं है तो वो निमकोल का इस्तेमाल करके इस कमज़ोरी से निजात पा सकते हैं। इसके अलावा ख़वातीन हज़रात, उन फल फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए जिनमें पोटाशियम की मकदार ज़्यादा हो, लेकिन वो लोग जो कि किडनी के मसाइल का शिकार हैं वो हरगिज़ ऐसा ना करें। जो नॉर्मल लोग हैं वो केला, इसके अलावा जो है तो खजूर, इसके अलावा जो है तो खरबूजा, इसका इस्तेमाल करके आप जो है तो इस कमज़ोरी से निजात पा सकते हैं। पानी की मकदार ज़्यादा से ज़्यादा रखिए और इन चीज़ों का, नमकियात का ये ज़रूर ख्याल रखें। इसके साथ साथ अगर आपको फिर भी कमज़ोरी फील होती है तो आप अपने डॉक्टर के मशवरे से कोई मल्टीविटामिन इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपका रोज़ा भी अच्छा गुजरेगा और आपके बदन में कमज़ोरी भी नहीं आएगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।